everyone and welcome back to the channel after a long time. Hope you guys are doing really good. तो आज का वीडियो होने वाला है एक ब्लॉग काइंड ऑफ वीडियो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विद दिस ब्यूटीफुल वेदर ऑफ बैंगलोर. आई नो इंडिया में बहुत सी जगह पे टेम्परेचर काफ़ी हाई है, लोग परेशान हैं गर्मी से, बट बैंगलोर रेन इज इज ओन चार्म. एक चीज़ मुझे बैंगलोर का बहुत ज़्यादा पसंद है, इस अमेजिंग वेदर. फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज एवरी आफ्टरनून इज रेनिंग एंड ऐसे टाइम पे मन करता है कुछ डिफरेंट करने को. एंड मैं आ गई हूँ अपने किचन में. वैसे बारिश में तो लोग चाय पकौड़े खाते हैं, पर आज मन कर गया कुछ स्वीट डिश बनाते हैं. तो हाँ, मैं आज बना रही हूँ गाजर का हलवा. तो बहुत लोग ये पूछेंगे कि गाजर का हलवा का तो सीज़न चला गया है, बट हाँ इस साल हम घर में गाजर का हलवा बनाने में बहुत लेट हो गए हैं. एंड मुझे मिल गया कुछ रेड वाले अच्छे गाजर, तो सोचा बना ही लेते हैं. यहाँ पे मैंने कुछ गाजर ले लिया है, उसको अच्छे से वॉश पील करके क्लीन कर लिया है. इसको मैं अभी पीसेस में कट कर रही हूँ. वैसे तो लोग इसको मैन्युअली ग्रेट करते हैं, बट मैं यूज़ कर रही हूँ एक ग्रेटर, सो टाइम एंड एनर्जी दोनों सेव हो जाए एंड टेस्ट में कुछ डिफरेंस नहीं होता. तो हमारे सारे गाजर जो हैं ग्रेट हो गए हैं एंड देखते देखते इतना सारा गाजर बन गया है. अब हम कुछ ड्राई फ्रूट्स कट कर लेते हैं. आप अपने चॉइस के कुछ भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं. अब मैंने ले लिया है एक कढ़ाई. कढ़ाई जैसे ही गर्म होता है इसमें सब ग्रेटेड गाजर हम डाल देंगे. इसमें पहले से कुछ ऑयल या घी नहीं यूज़ करना है, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे. तो मैंने ये रेसिपी यूट्यूब से ही देखा था एंड मैंने दो तीन बार ट्राई किया है. बहुत अच्छे गाजर के हलवा बनता है इससे, आप भी ज़रूर ट्राई करना. एंड इसको हम लो टू मीडियम फ्लेम में कवर करते हुए इसको हमें चलाना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए. तो 10-15 मिनट में इसका कलर देखिए ऑलमोस्ट चेंज हो गया है. अब हम इसमें ऐड करेंगे शुगर एंड इसको करेंगे अच्छे से मिक्स. एंड इसके बाद हमें देसी घी ऐड करना है. मैं 2-3 टीस्पून देसी घी ऐड कर रही हूँ. इसके बाद हमें इसमें ऐड करना है मिल्क. तो मैंने यहाँ पे मिल्क ऐड कर दिया है. अब इसको हमें अच्छे से चलाना है. हाँ, इसमें मैं अब ऐड कर रही हूँ कंडेंस मिल्क. आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, है तो ज़रूर यूज़ करना, टेस्ट बहुत अच्छा आता है. लास्ट में कटे हुए ड्राई फ्रूट्स. या अभी करेंगे अच्छे से मिक्स एंड हमारा गाजर का हलवा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है. अभी इसको ट्रांसफ़र करेंगे एक बाउल में एंड गार्निशिंग के लिए बचे हुए ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे. तो जितना चाहे आप दिल खोल के इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करना, बहुत अच्छा टेस्ट आता है. एंड हाँ, खाना जो है खाने से पहले आंखों से खाया जाता है, सो प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए. तो चलिए, हमारा गाजर का हलवा हो गया है रेडी एंड देखिए कितना यम्मी दिख रहा है. सबको तो मैंने टेस्ट करवा दिया, सबने बहुत पसंद किया. अब है मेरी बारी टेस्ट करने की. तो चलिए देखते हैं ये कैसे बना है. आप भी ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करना, इस साल नहीं तो नेक्स्ट ईयर. तो मैंने तो टेस्ट किया कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग यम्मी बना था. तो होप आपको ये रेसिपी पसंद आया हो. सो ट्राई इट आउट एट योर होम एंड लेट मी नो आपको ये रेसिपी कैसा लगा. तो मैं आज करने वाली हूँ एक DIY, दैट इज़ स्पैचुला पेंटिंग. तो मैं यहाँ पे वुडन का कुछ स्पैचुला ले लिया है जो काफ़ी दिनों से यूज़ में नहीं आ रहे थे. तो मैं इसको करने वाली हूँ पेंट एंड मैंने इंटरनेट से कुछ पिक्चर डाउनलोड किए थे, उसको देख के ही बस ये कर रही हूँ. एंड बहुत लोग ये करते हैं फॉर देयर किचन डेकोरेशन, तो मैं ये फर्स्ट टाइम कर रही हूँ. देखते हैं कैसे निकल के आता है.
जो पिक्चर मैं इंटरनेट से डाउनलोड की थी वैसे तो सेम टू सेम बना नहीं, बट जैसे भी बना है अच्छा ही बना है। इसका सरफेस एक्चुअली बहुत रफ़ हो चुका था तो कलर अच्छे से बैठ नहीं रहा था, तो थोड़ा मुझे बनाने में बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा था। तो होप आपको ये DIY पसंद आया है, एंड आपको अगर अच्छा लगे तो आप भी ज़रूर ट्राई करना। तो वॉल में हैंग करने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है। मुझे तो ये बहुत पसंद आया, होप आप लोग को भी ये पसंद आया हो। तो आप भी कुछ ऐसा DIY अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, एंड मिलती हूँ मैं आपको एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। एंड यस, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। टेक केयर एंड बाय बाय।